हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस छोटे से वीडियो के द्वारा एक महत्वपूर्ण विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहता हूं। कल जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो गुजरात के बाद उन्हें आगरा आने का मौका मिला। हम सब जानते हैं कि आगरा शहर ताजमहल के लिए फेमस है। प्रत्येक दिन सैकड़ों सैलानी ताजमहल देखने के लिए आते हैं, उसकी भव्यता को, उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। मुझे विश्वास है कि कल जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी जब ताजमहल को देखा होगा तो वो इसकी भव्यता को देखकर जरूर प्रभावित हुए होंगे। लेकिन एक बात आपने शायद नोट की हो, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ताजमहल को देख रहे थे उनके साथ एक गाइड था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक गाइड। अगर आप ताजमहल जाते हैं तो जरूरी है कि आपके साथ एक गाइड हो, नहीं तो आप बस उस सफेद पत्थर को देखकर वापस आ जाएंगे और आपको इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन, इतिहास से जुड़ी हुई बातें, उसकी सुंदरता का वर्णन और बहुत कुछ जो रहस्य जो शायद आप बिना गाइड के कभी नहीं समझ सकते या नहीं जान पाएंगे। ताजमहल को किसने बनाया, इसको बनाने में कितने समय लगे, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको बनाने में लगभग कितना पैसा खर्च हुआ। ताजमहल को शाहजहां ने बनाया, उसको 1632 से 1653 तक लगभग 22 साल इसका निर्माण कार्य रहा और इसको भारत देश के साथ साथ टर्की और फारस की जो लेबर थे, जो वर्कर थे, उन्होंने बनाया। इसे बनाने में लगभग 28 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है कि 1500 हाथी जो थे वो इन पत्थरों को दिन रात ढोते थे। और अगर आप इसकी मीनार को देखें तो इसके पास जो चार मीनारे हैं, आप देखेंगे कि वो मीनारे 90 डिग्री पर नहीं है, वो 2 डिग्री बाहर की तरफ है, जिससे अगर कभी भूकंप आता है तो वो मीनार जो है वो गुंबद पे ना गिरे, जिससे ताजमहल नष्ट ना हो, तो इसलिए उसको 2 डिग्री बाहर रखा गया है। इसकी ऊंचाई जो है वो 73 मीटर है और बहुत सी रोचक जानकारियां, बहुत सी भेद की बातें हैं जो शायद अगर हम इस वीडियो को पूरा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ताजमहल के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पास एक गाइड हो या आपके पास में एक किताब हो जो ताजमहल के इतिहास का वर्णन करे। जी हाँ, अगर एक ताजमहल को जानने के लिए आपको एक गाइड की या एक पुस्तक की आवश्यकता है तो मेरा प्रश्न यह है, आप संसार को देखें, संसार की भव्यता को देखें, इसके विराट रूप को देखें, आप देखें पृथ्वी को, देखें आप पृथ्वी की जो दूरी है सूरज के साथ 148.06 मिलियन किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर अर्थ की जो मून से दूरी है, या जो पृथ्वी अपने 23 डिग्री एक्सिस पर है और 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, अपनी दूरी पर घूम रही है, 107,000 किलोमीटर हम सूर्य के चारों तरफ किलोमीटर के हिसाब से हम चक्कर लगा रहे हैं। आप पृथ्वी की सुंदरता को देखिए, इस पर पाए जाने वाले तरह तरह के पेड़ पौधों को देखिए, फलों को देखिए, फूलों को देखें, आप नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें, जीव जंतुओं को देखें, आप जंगलों को देखें, आप पहाड़ों को देखें, आप समुद्र को देखें, आप झरनों को देखें। क्या इन सब चीजों को देखने के बाद आपके मन में एक प्रश्न नहीं आता कि इन सबको किसने बनाया और क्यों बनाया, या क्यों बनाया, किसने बनाया? ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप वास्तव में इन प्रश्नों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके पास एक गाइड उपलब्ध है, एक पुस्तक उपलब्ध है, वो है परमेश्वर का जीवित वचन, पवित्र बाइबल। जी हाँ, परमेश्वर ने संसार को क्यों बनाया, संसार को बनाने में कितने दिन लिए गए, ये सब कुछ क्यों बनाया गया, सब कुछ जो कुछ आप देखते हैं क्यों बनाया गया, और ये बहुत विशाल अगम्य है, अद्वितीय है। और मैं व्यक्तिगत रीति से इस विषय पर जब भी सोचता हूं, मनन करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। चार्ली ड्यूक, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अमेरिकन साइंटिस्ट, जब वो चांद पर गए, तो जब वो चांद पर चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है वो हवा में खड़ी हुई है, इट इज अर्थ इज हैंगिंग ऑन नथिंग। एंड चार्ली ड्यूक ने घुटने टिकाए, ही नेल डाउन एंड सेड, इट इज ग्लोरियस, ओनली गॉड कैन डू, ये केवल परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो, जी हाँ, परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है और उस परमेश्वर के पास आपके लिए की योजना है। इसलिए भजन का एक प्रश्न पूछता है, परमेश्वर आपसे एक प्रश्न पूछता है और इसी प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की और कहा कि देखे कि कोई बुद्धिमान है जो परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जी हाँ,
अगर ताजमहल को देखकर जाम सवाल आपके मन में आते हैं, तो क्या इस संसार को, अद्वित्य विराट अगम्य संसार को देखकर आपके मन में प्रश्न नहीं आता कि वो परमेश्वर कौन है और कहाँ रहता है? अगर आप इस परमेश्वर के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं, आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें। ठीक उसी तरह जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक गाइड उनको ताजमहल की भव्यता के बारे में बता रहा था, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि जीवन की बातों को आपके संग बता सके, मनुष्य कौन है, कहां से आया है और एक दिन हम सब कहां चले जाएंगे। ये एक रहस्य है और इस रहस्य को परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़ी आसानी से समझाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है आप उसे पढ़ें, और अगर नहीं है निश्चित आप इस शास्त्र को, इस पवित्र वचन को पाएं और पढ़ें। आप देखेंगे परमेश्वर ने इस संसार को क्यों बनाया और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, गॉड ब्लेस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसकी महान योजना के लिए और इस बड़े कार्य के लिए, इस सवाल के साथ कि परमेश्वर कौन है और हम उसे कैसे जान सकते हैं। मैं आचार्य विकास मैसी आपका धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस।